ओके क्लास 10 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला पार्ट 1। ओके सेक्शन फार्मूला होता क्या पहले वो हम समझते हैं। हम लोग इसके पहले हम लोग जब ग्राफ करते थे आपको याद आ रहा है ग्राफ, तो ग्राफ करते हैं सपोज कीजिए ग्राफ में मेरा कोई पॉइंट इधर लाई किया और कोई पॉइंट इधर लाई किया। ओके तो ये जब हम लोग लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये लाइन देखिए मेरा डिवाइड हो जा रहा है। सपोज कीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये लाइन यहाँ पे पी पे डिवाइड हो जा रहा है। ओके तो ये लाइन जब P पे डिवाइड हो जा रहा है सपोज कि ये 2:1 पे डिवाइड हो जा रहा है। ओके तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो निकाला जाएगा यानी इस कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं जिससे हमको ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। फिर सपोज कीजिए कोई एक लाइन है ये A है ये B है, अगर लाइन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है आपका P रेशियो मान लीजिए 3:1 पे है चाहे 1:3 पे जो भी हो, तो ये कोऑर्डिनेट यानी पी का कोऑर्डिनेट जहाँ पे लाइन यानी कोई एक लाइन सेगमेंट यानी दो पॉइंट को जोड़ के जब एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है यानी टू पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है और उस लाइन को पर्टिकुलर एक जगह से डिवाइड मतलब एक जगह से बाइसेक्ट या लाइन सेगमेंट यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है रेशियो में डिवाइड कर दिया जा रहा है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसी को कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। क्लियर? तो सपोज कीजिए ये लाइन दिया यहाँ पे ये ए और बी और ये पी दे दिया गया है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे इसके हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसे लिखा जाता है सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। सपोज कीजिए इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2। ओके और ये रेशियो में बटा हुआ है m:n पे, ठीक है। तो हमको कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने के लिए तो हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, सेक्शन फार्मूला होगा mx2 यानी m रहा ये x2 रहा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इससे आपको दो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो यानी जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो x के जगह कोऑर्डिनेट मिलेगा और एक y के जगह आपको कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट आपको इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा। ओके अब आते हैं हम लोग सपोज कीजिए एक लाइन दिया हुआ है a और b और इसका एग्जैक्ट क्या होगा कि मिडिल से डिवाइड हुआ यानी 1:1 से डिवाइड हुआ यानी मिड पॉइंट यानी यहाँ का मिडिल पॉइंट, यहाँ का मिडिल पॉइंट क्या होगा तो उस दौरान भी हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इससे क्या होगा यहाँ का मिड पॉइंट आपको पता चल जाएगा, जब रेशियो आपको एग्जैक्ट मेंशन किया जाएगा कि मिड पॉइंट है या फिर 1:1 में डिवाइड किया जाएगा तब आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। क्वेश्चन में कई दफ़ा आपको रेशियो मिसिंग रहेगा कौन से रेशियो पे लाइन को डिवाइड किया गया है ये लाइन किस डिवाइड। ओके तो जब भी रेशियो लेट कीजिएगा आप हमेशा उसको k:1 पे लेट कीजिएगा क्योंकि आपका रेशियो का जो भी आंसर आएगा आपको पता है फ्रैक्शन में आंसर आएगा यानी ओके इस तरह से 2/3, 3/2 तब k/1 लिखे चाहे कुछ भी लिखे तो क्या होगा इससे यानी हमको पता चलेगा रेशियो आया है वो क्या हो जाएगा 3/2 रेशियो है या कुछ भी ओके 2/3। तो रेशियो को हमेशा लेट इसी से कीजिएगा, हम लोग के इसलिए पकड़े थोड़ा डिफरेंट नंबर होगा क्योंकि आपको एम एन एक्स वाई ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है तो लोग दूसरा अल्फाबेट दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने के लिए। ओके तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे सेक्शन फार्मूला पढ़ा मिड पॉइंट पढ़ा और रेशियो को कैसे लेट किया तो पढ़ा। अब सपोज कीजिए ट्राइंगल दे दिया गया है ट्राइंगल का ये एक वर्टिसेस इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x3 और y3। तब आप क्या कीजिएगा अगर इसका बोल देगा इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए तो ये सेंट्रोइड क्या है ये मतलब यहाँ से यहाँ का सेंटर पॉइंट यानी सेंट्रोइड पॉइंट। ओके तो सेंट्रोइड पॉइंट निकालने के लिए यानी अगर सेंट्रोइड निकाला जाएगा तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करना होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओके तो हम लोग यहाँ पे तीन फार्मूला पढ़े, एक सेक्शन फार्मूला पढ़े, एक मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े और एक सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल पढ़े और रेशियो के लिए पढ़े कि रेशियो जब भी लेट करना होगा क्या लेट करना होगा k:1 पे लेट करना होगा। तो ये तीन बेसिक फार्मूला पढ़ लेने से सेक्शन फार्मूला के चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके तो पहले फार्मूला को नोट कर लीजिए, ओके तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं पहले। तो वन में क्या कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन सेगमेंट था यानी कोई भी लाइन सेगमेंट है ए और बी मान लीजिए। ओके इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, -3 और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6, -6, 7। तो आपको क्या निकालने वाला मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट का मतलब ये एग्जैक्ट 1:1 रेशियो में बटा हुआ तो आपको यहाँ का मिड पॉइंट यानी पी का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो मिड पॉइंट को हम लोग कुछ क्या पढ़े थे
हम लोग मिड पॉइंट में पढ़े हुए थे एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये हो गया एक्स वन और ये हो गया वाई वन, ये हो गया एक्स टू और ये हो गया वाई टू, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो लिखने वक्त। तो सबसे पहले एक्स वन यानी टू प्लस एक्स टू यानी माइनस सिक्स बाई टू, ओके। वाई वन माइनस थ्री प्लस वाई टू यानी सेवन बाई टू, तो ये क्या हो गया 2 प्लस माइनस माइनस यानी 2 माइनस सिक्स माइनस फोर बाई टू और ये हो गया 4 बाई टू, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया माइनस टू हो गया और ये हो गया 2 हो गया, क्लियर। तो ये हम लोग का मिड पॉइंट निकल चुका है, ओके। अब इसी जगह पे सेम क्वेश्चन नंबर 3 पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है पी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। तो पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी लाइन, इसका दिया हुआ माइनस टू कॉमा वन और इसका दिया हुआ है 1:4, ओके। और ये पी जो लाइन है कितने रेशियो में डिवाइड किया गया, रेशियो भी मेंटेन किया हुआ है 2:1 पे, तो हमको यहाँ पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा गया। तो हम लोग इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ओके। तो हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो भी हमको समझ में आता है एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू और इस रेशियो को नाम देते हैं m:n, क्लियर। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लिख के पी का कोऑर्डिनेट निकालने जाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, फिर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए आराम से हम लोग पुट करते हैं, एम के जगह पे क्या लिखा हुआ 2 और एक्स टू के जगह पे क्या लिखा हुआ 1, या हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 2:1 प्लस एन के जगह पे क्या लिखा हुआ 1 और एक्स वन के जगह पे क्या लिखा है माइनस टू यानी 1:-2, क्लियर। और एम प्लस एन यानी 2+1, ओवर। फिर लिखा हुआ एम वाई टू, एम के जगह पे 2 लिखा हुआ है इंटू वाई टू के जगह पे 4 लिखा हुआ है प्लस एन के जगह पे 1 लिखा हुआ है, वाई वन के जगह पे 1 लिखा हुआ है बाई 2+1, तो क्या हो गया 2 प्लस और ये माइनस टू यानी 2-2 कितना हो गया 0/3 और ये हो गया 2 4 8 एंड 1 1 1 यानी 9/3। सो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 0, 3 यानी ये 0 और ये 3, इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग पता करें तो वो क्या है 0, 3 है, ओके। नोट कर लीजिए, ओके। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी, यानी क्वेश्चन समझ लीजिए पहले क्या है, ये रहा एक लाइन सेगमेंट है ए बी, से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 3:1 और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए -2:5, क्लियर। और जो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला गया, यहाँ पी का कोऑर्डिनेट निकालने बोला गया, लेकिन जो कोऑर्डिनेट उसका रेशियो नहीं बताया गया, लेकिन रेशियो के लिए कैसे बोला गया है कि विच इज 3/4, किसका 3/4, इस पूरे लाइन का 3/4, यानी जो ए पी है वो क्या है 3/4 है, किसका 3/4 है ए बी का 3/4। तो हमको रेशियो किसका चाहिए होता है, ए पी से पी बी का, नॉट ए पी से ए बी का, हमको रेशियो चाहिए रहता है ए पी और पी बी का क्या रेशियो है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं, ओके, क्योंकि इसे कोऑर्डिनेट्स निकालने वाला, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो यानी m:n मेरा होना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये लिखते हैं 4AP = 3AB के जगह पे हम ये लाइन AB के जगह पे हम AP प्लस PB लिख सकते हैं, तो ये जो AB है फुल AB है, AB के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं एक बार AP प्लस PB, तो हम ऐसे लिख दिए AP प्लस PB, ओके। तो ये हो गया 4AP = 3AP + 3PB, 4AP से 3AP माइनस हो जाएगा तो बच गया 1AP = 3PB, तो ये हो जाएगा AP/PB = 3/1, यानी AP और PB का रेशियो मेरा निकल गया 3:1, खत्म। रेशियो निकल गया, हम कोऑर्डिनेट्स आराम से निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला लिख के, तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया m:n। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं nx1 / nx1 / m+n (m)y2 + (n)y1 / (m+n), फॉर्मूला लिख ले। अब m क्या है मेरा 3 × x2, x2 क्या है -2 प्लस n क्या है 1 और x1 क्या लिखा हुआ है 3 / 3+1, ओके। m क्या है 3, y2 कितना है 5, n कितना है 1 और y1 कितना है, ये भी 1 है (3+1), तो 3 × 2 - 6 प्लस 3/4 और ये हो गया 3 × 5 = 15 + 1/4,
तो ये हो गया माइनस थ्री बाई फोर और ये हो गया फोर, यानी मेरा पी का कोऑर्डिनेट निकल गया माइनस थ्री बाई फोर कॉमा फोर। ओके, तो पी का कोऑर्डिनेट मैं निकल चुका हुआ, ये आप नोट कर लीजिए। फिर तक हम लोग नाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये रहा सर्कल, हम सर्कल ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो डायमीटर है, जिसका पॉइंट का नाम बोला गया है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया गया माइनस थ्री कॉमा वन और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया गया फाइव कॉमा माइनस फोर, और ये सेंटर है सी, बोला है हुज सेंटर इज सी, सी लिख दिया। तो बोला है आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो सी का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, पहले ये बताइए ये जो लाइन डिवाइड हो रहा है यानी ए सी और सी बी जो लाइन डिवाइड हो रहा है कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वन इज टू वन में, क्योंकि यहाँ से ए से सी का जितना डिस्टेंस है सी से बी का भी उतना ही डिस्टेंस है, क्योंकि सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है तो ए सी क्या हो गया रेडियस हो गया, तो सी बी भी क्या हो गया रेडियस हो गया, और रेडियस का दोनों सब तरफ से इक्वल डिस्टेंस होगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही डिस्टेंस है, यानी वन इज टू वन में हो गया। तो जहाँ पे वन इज टू वन में रेशियो डिवाइड है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर कोई ऐसा रेशियो दिया तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, वरना एग्जैक्ट मिडिल का, क्योंकि यहाँ से ये भी मिडिल है यहाँ से भी मिडिल, मतलब ये तो मिडिल वैल्यू पे सीट है। ओके, तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को आता है, हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, पहले इसको दे देते हैं एक्स वन वाई वन और इसको लिख देते हैं एक्स टू और वाई टू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमको निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो एक्स वन में क्या लिखा है माइनस थ्री प्लस फाइव बाई टू और वाई वन में लिखा हुआ है वन प्लस माइनस फोर बाई टू, ठीक है, तो ये हो गया टू बाई टू और ये हो गया माइनस थ्री बाई टू, तो आंसर इज वन माइनस थ्री बाई टू। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 14, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, दिया हुआ है आपका माइनस वन ए एंड बी, माइनस वन कॉमा फाइव बाई थ्री और ये दिया हुआ है ए कॉमा फाइव। ओके, इज डिवाइडेड इन द रेशियो वन इज टू थ्री, यानी यहाँ जो पी पॉइंट है ये डिवाइड किया गया वन इज टू थ्री में, आपको पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा गया है। ओके, उसके बाद कहा गया है एट, लेकिन जो लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है आपका एट वाई एक्सिस पे। अब हम क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान समझिए। सपोज कीजिए ये मेरा ग्राफ और ये लाइन यहाँ से वैसे पास कर रहा है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि साफ मैंशन किया लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हमको ईजिली पता हुआ है कि लाइन कभी भी वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, दैट मीन्स ये जगह क्या हो गया, जीरो होगा, और वाई का कुछ समथिंग वैल्यू होगा, तो हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होना चाहिए, एक तो कंफर्म जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स का वैल्यू वहाँ पे जीरो होता है, अगर वही सेम लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो होता, सॉरी एक्स का वैल्यू होता और वाई का वैल्यू जीरो होता, यहाँ पे तो हो जाता है एक्स कॉमा जीरो, मतलब x का कोई वैल्यू होता है और y जीरो होता है, लेकिन ये लाइन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए x का वैल्यू क्या है, जीरो होगा यहाँ पे और y होगा। सपोज कीजिए अगर आपको हम पॉइंटिंग करने 0.5 देते तो आप पॉइंटिंग कहाँ कीजिएगा, 0.5 यानी 5 कहाँ है, y का है, तो सीधा y पे आके यहाँ पुट कर दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि x जीरो है और y का कुछ वैल्यू है, तो इसे हम लोग पहले लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी 0.y। ओके, तो हम लोग यहाँ लेट कर लिए हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी 0.y, ये तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 0.y, ठीक है, तो ये हम पुट कर ले रहे हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और ये हो गया m इंटू एम, क्योंकि क्वेश्चन में आपको a का भी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि b का दोनों कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग, एक कोऑर्डिनेट्स a दे दिया गया है, तो आपको बोला गया है ये p का भी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए और a का वैल्यू भी निकालने के लिए। क्लियर, तो हम लोग सॉल्व करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जैसे हम लोग लिखते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। पहले ये जवाब दीजिए, हम जब इस सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं, पी का कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए, लेकिन पी का कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी हम लोग लेट कर चुके हैं, यानी पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स के लिए होता है जो कि जीरो हम लोग माने हुए हैं,
और दूसरा क्वाड्रेंट वाई का होता है, इसके हम लोग ये वायलेट किया, यानी इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो तो यही आता है, इसीलिए इसके इक्वल्स टू हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस पहला लगे इक्वल्स टू में जीरो लिख दे, दूसरा लगे इक्वल्स टू में वाई लिख दे, क्योंकि हम सॉल्व करते हैं तो दो क्वाड्रेंट जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं, पी के लिए आते हैं। ओके, तो ये जीरो हुआ, एन के जगह पे वन एक्स टू, वन और एक्स टू दैट मीन्स वन इंटू ए, इट्स ए एन एक्स वन, यानी थ्री इंटू माइनस वन, इट्स माइनस थ्री बाई वन प्लस थ्री। ओके, तो हम यहाँ से वन प्लस थ्री को इससे इंटू करेंगे तो जीरो हो गया, यानी क्या है, जीरो इक्वल्स टू ए माइनस थ्री, देयर फोर मेरा ए इक्वल्स टू कितना आ गया, थ्री आ गया। ए यानी सॉल्व करके हम लोग क्या ले आए, थ्री ले आए, कम्प्लीट, मेरा पहला आंसर आ चुका है ए का वैल्यू। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, एम एम के जगह वन, वाई टू के जगह फाइव, वन इंटू फाइव, एन के जगह थ्री और वाई वन के जगह पे फाइव इंटू थ्री, फाइव अपॉन थ्री, ठीक है, डिवाइडेड वन प्लस थ्री इक्वल्स टू वाई, तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन फाइव ज़ा फाइव एंड प्लस फाइव यानी टेन बाई फोर, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, फाइव बाई टू, यानी मेरा वाई का वैल्यू क्या आ गया, फाइव बाई टू। तो इसका मतलब जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि वैल्यू ऑफ ए, उसके लिए ए का आंसर आ गया मेरा थ्री, और दूसरा क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम लोग क्या लेट किए थे, जीरो कॉमा वाई लेट किए थे, तो जीरो के जगह तो जीरो लिखेंगे लेकिन वाई का आंसर मेरा क्या आया है, फाइव बाई टू, तो कोऑर्डिनेट्स पी का कोऑर्डिनेट्स हो गया जीरो कॉमा फाइव बाई टू। ओके, नोट कीजिए।